हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस किया था, आपको एक तो बताया था जो फाइलम 9 है प्रोटोकॉल डेटा के बारे में क्लियर कर चुके थे, ठीक है। इसके बारे में आपको पूरा टॉपिक समझा दिया था, लिखवा भी दिया था, और स्टार्ट कर चुके थे फाइलम 10 जिसका नाम है बर्टी ब्रेटा, ठीक है। तो आप फाइलम 10 हेडिंग डालें बर्टी BERTEBRETA, बर्टी ब्रेटा, ओके। बर्टी ब्रेटा के बारे में भी काफी कुछ बता चुके थे लास्ट वीडियो में, ओके। तो आज की इस वीडियो में फाइलम 10 को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू सी टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगा सिटी, स्टे एट होम सेफ एट होम, घर पे रहें सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ठीक है। जैसा कि क्लासेस चल रही है क्लासेस भी लेते रहें और राहुल सर के वीडियो डे टू डे टाइम टू टाइम देखते रहें, ठीक है। एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। नोट अपनी जो अपनी फेयर कॉपी है उसमें नोट करते रहें वीडियोस में से, जो भी टॉपिक के बारे में राहुल सर लिखवाते हैं ये काफी सफिशियंट है आपके कोर्स के लिए, और ये जो लिखवाया है ये आपको आगे इन फर्दर क्लासेस में भी आपके काम में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आगे मैं सभी बच्चों से एक बार फिर से कहना चाहूंगा, कोई भी डाउट है तो एक बार जरूर डिस्कस जरूर करें, ठीक है। और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, फाइलम 10 की तरफ बढ़ते हैं। बर्टी ब्रेटा आपको बताया था कि ये इसमें लिखिएगा जो एनिमल्स होते हैं ऐसे एनिमल्स जिनमें इंटरनल स्केलेटन होता है। कैसा होता है? इंटरनल स्केलेटन बना हुआ रहता है, किसका बना हुआ रहता है? बोन्स का, उन्हें बर्टीब्रल कॉलम बोलते हैं। और तो लिखिएगा एनिमल्स विच हैव एन इंटरनल स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड बर्टीब्रल कॉलम, आप इसके आगे लिखिएगा इन्हें जो बोला जाता है आर कॉल्ड वर्टीब्रेट्स, इन्हें वर्टीब्रेट्स भी बोला जाता है। यानी कि एनिमल्स विच हैव एन इंटरनल स्केलेटन, इंटरनल स्केलेटन होता है जो कि बोन्स का बना हुआ है, ब्रैकेट में लिखिएगा जिन्हें वर्टीब्रल कॉलम बोला जाता है, ब्रैकेट क्लोज करके फिर लिखिएगा आर कॉल्ड वर्टीब्रेट्स, ऐसे एनिमल्स को वर्टीब्रेट्स बोला जाता है। और फुल स्टॉप लगा करके इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके आपको दूसरी डेफिनेशन और लिखवा रहे हैं राहुल सर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे एनिमल जिनमें बैकबोन नहीं होती है, तो क्या लिखा? एनिमल्स विदाउट ए बैकबोन, बैकबोन नहीं होती है, आर कॉल्ड, आगे लिखेगा आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोला जाता है? इन बर्टी BERTE बर्टी ब्रेड्स, उन्हें इन बर्टी ब्रेड्स बोला जाता है। और इसके साथ में इसको क्या कर रहा हूं? अंडरलाइन भी कर रहा हूं, ओके, इसको अंडरलाइन कर दिया। ऐसे एनिमल जिनमें बैकबोन नहीं होती है, विदाउट ए बैकबोन होते हैं, इन बर्टी ब्रेड्स बोला जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कौन से एनिमल्स है जिनमें बैकबोन होती है और कौन से एनिमल जिनमें बैकबोन नहीं होती है, ओके। तो यहां पर तो मैं लिख रहा हूं एनिमल्स विद बैकबोन, एनिमल्स जिनमें क्या होती है? बैकबोन होती है, ओके। यानी कि रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो, और एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती है, इधर लिख दीजिएगा एनिमल्स। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, ये आपकी बुक से तो काफी एक्स्ट्रा बता चुके हैं राहुल सर आप लोगों को, ठीक है। आपको बिलीव नहीं होगा, आपकी बुक में बहुत कुछ नहीं है जिसके अलावा भी राहुल सर ने बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताया है आपको। तो लिखिएगा, मैंने यहां पर लिखा है एनिमल्स विद बैकबोन और इधर लिखा है एनिमल्स विदाउट बैकबोन। तो ऐसे एनिमल्स जो जिनमें बैकबोन होती है, जैसे आपने सुना हो फिश, ठीक है, फिश में होती है और ज्यादातर मोस्टली वर्ड्स में तो मिलता ही मिलता है बैकबोन। रेप्टाइल्स में होता है, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले, ओके। आपके मैमल्स में मिल जाएगी, मैमल्स, और मनुष्य भी इसमें ही आते हैं मैमल्स में ही, ओके। और एम्बीफियंस, उभयचर जो होते हैं, MBAM लिखेगा, एम्फीबियंस इसको बोलते हैं, एम्फीबियंस, AMPHIBIANS एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये रेंगने वाले हो गए, दुधारू हो गए, और ये हो गए उभयचर में। तो फिश, वर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, ठीक है। अब चले एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती है, ऐसे होते हैं इंसेक्ट्स, कीट पतंगे, जैसा कि आपको भी पता है, ठीक है, कीट पतंगे हो गए। और ऑर्चिड का नाम सुना होगा आपने, ARACHIDS, ऑर्चिड्स भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ एनिमल्स भी इसके अंदर आते हैं, प्रोटोजोआ भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। एनिलिड, मैंने एनिलिडा फाइलम पढ़ाया था आपको, एनिलिड्स जो एनिमल्स है वो भी विदाउट बैकबोन में आते हैं, ओके। मोलस्का वाले भी इसमें ही रखे गए हैं, मोलस्क, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बताया राहुल सर ने, इंसेक्ट्स,
ऑर्चिड्स, ठीक है, प्रोटोजोआ, एनिलिड्स, मोलस्का, ये विदाउट बैकबोन में रखे गए। चलें आगे की तरफ। अब मैं इसे तो कर देता हूं रफ, ठीक है, ये आप लोग लिख चुके हैं। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मैं अब इस फाइलम की कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। फाइलम के बारे में डिस्कस आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा एक फाइलम है, ठीक है, लार्ज ग्रुप होता है एनिमल्स का जिनमें बैकबोन होती है, ठीक है, ठीक है। और आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो इसमें स्टार लगा करके लिखिएगा आप लोग, ये कैसा है, ए वेरी लार्ज, ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये जो फाइलम है ये एनिमल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद, उन एनिमल्स में क्या होती है, बैकबोन, यानी कि इसमें बैकबोन वाले रखे गए हैं जिनमें बैकबोन होती है, ठीक है। यानी कि ये किससे रिलेटेड हो गए, कॉर्डेटा, रेफर्ड, रेफर टू कॉर्डेटा, CORDATA, ओके। तो यानी कि देखना, ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद बैकबोन रेफर टू कॉर्डेटा, कॉर्डेटा से ये रखे गए। कॉर्डेटा जो वर्ड है वो किससे आया, कॉर्ड से, CORD, ये कॉर्डेटा वर्ड कॉर्ड से आया, CHOR, यानी कि जिसका मतलब होता है वर्टिब्रेट एनिमल्स, ओके। तो लिखना चाहें तो लिख लें, द वर्ड कॉर्डेटा कम्स फ्रॉम, क्या लिखा, द वर्ड कॉर्डेटा कम्स फ्रॉम, ठीक है, क्या लिखा, एक सेकेंड, कॉर्ड, CORD, यानी कि ये जो वर्ड आया वो कॉर्ड से आया है, ठीक है, और कॉर्ड का मतलब होता है वर्टिब्रल एनिमल्स। तो क्या लिखा राहुल सर ने, द वर्ड कॉर्डेटा कम्स फ्रॉम कॉर्ड। ये जो है, अब जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं ये डाइवर्स एक ग्रुप होता है, यानी कि ये ज्यादातर इसके अंदर क्या है, मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल भी लिखे थे तो इसके आगे लिख सकते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ, तो फुल स्टॉप क्या लिखिएगा, सम एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूं, वर्टिब्रेट्स, डैश लगा करके लिखिएगा, सम एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट्स, फिश बताया, एम्फीबियंस बताए, तो लिखिएगा फिश कॉमा एम्फीबियंस, AMPHIBIANS, तो फिश हुआ, एम्फीबियंस हुआ, रेप्टाइल्स हुआ, क्या क्या लिखा, फिश लिखा, एम्फीबियंस लिखा, रेप्टाइल्स लिखा, आपके वर्ड्स होती है, ठीक है, मैमल्स, स्तनधारी, स्तनधारी एनिमल्स उन्हें बोलते हैं मैमल्स, जैसे ह्यूमन बॉडी भी इसके अंदर, ह्यूमन भी इसके अंदर आते हैं, तो फिश हुआ, एम्फीबियंस हुआ, रेप्टाइल्स हुआ, वर्ड्स है, मैमल्स है, आपके रोडेंट्स है इसके अंदर, प्राइमेट्स जो है सब कुछ इसके अंदर है, प्राइमेट्स कॉमा रोडेंट्स, RODENTS एक्सेट्रा, ओके। तो क्या लिखा, प्राइमेट्स, PRIMATES और रोडेंट्स, RODENTS, रोडेंट्स भी इसके अंदर रखे गए हैं, ओके। और ये जो है यानी कि इसके अंदर जो बोल सकते हैं, फाइलम तो काफी बड़ा है क्योंकि ये वेरी बोल सकते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिनमें बैकबोन होती है, ठीक है, फाइलम तो काफी बड़ा है। और आगे की तरफ हम बात करेंगे इसके फीचर्स की, ओके। तो हेडिंग डालें फीचर्स, क्या हेडिंग डाला आपने, अब मैं इस फाइलम के फीचर्स की बात करूंगा, ओके। फाइलम 10 लास्ट एंड फाइनल ये आपके फाइलम है, इसके फीचर्स पे चलते हैं। तो पहली बात तो एनिमल्स में ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होती है, फर्स्ट फर्स्ट लिखिएगा दीज एनिमल्स, ये जो एनिमल्स होते हैं हैव ट्रू वर्ट VERT ट्रू वर्टिब्रल कॉलम, COLUMN, ओके। तो क्या रखते हैं ये एनिमल्स, ट्रू वर्टिब्रल VERTEBRAL वर्टिब्रल कॉलम रखते हैं, ओके। यानी कि वेल डेवलप्ड इंटरनल स्केलेटन होता है इनका। तो आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, दे हैव वेल डेवलप्ड, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, दे हैव वेल डेवलप्ड इंटरनल स्केलेटन, इंटरनल स्केलेटन,
क्या लिखा, दे हैव वेल डेवलप्ड इंटरनल स्केलेटन, किसका बना हुआ रहता है, बोन्स का बोल सकते हैं, कार्टिलेज का बोल सकते हो, कार्टिलेज का मतलब समझते हो आप, सी ए आर एल ए जी ई, सी ए आर टी आई एल ए जी ई, कार्टिलेज, एक सेकेंड मैं इसको करेक्शन कर देता हूं, एंड बोन्स, फुल स्टॉप, यानी कि इनमें जो है वो वेल डेवलप्ड इंटरनल स्केलेटन होता है, किसका होता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज बोलते हैं उपास्थियां, उपास्थियां मतलब हड्डियों को, बड़ी बड़ी हड्डियों को ज्वाइंट करने के लिए छोटी छोटी हड्डियां भी होती हैं, मतलब बोन्स को, बड़ी बड़ी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो छोटी छोटी हड्डियां होती है उन्हें कार्टिलेज बोलते हैं, और हिंदी में इसे उपास्थि के नाम से जाना जाता है, और बोन्स को बोलते हैं अस्थि यानी कि हड्डियां, तो दे हैव वेल डेवलप्ड इंटरनल स्केलेटन ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड लिखिएगा बी पॉइंट, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स आर कैसे होते हैं, बाइलेटरली, बी आई एल ए टी ई आर ए डबल एल वाई, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ओके सी पॉइंट, तो वर्टिब्रेट्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्राई बोल सकते हैं सेगमेंटेड बॉडी होती है या ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, तो लिखिएगा दे आर ट्रिप्लो, टी आर आई पी ओ, ट्रिप्लो ब्लास्टिक, बी एल ए एस टी आई सी एस, दे आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक एंड सेगमेंटेड बॉडी रखते हैं, सेगमेंटेड, नेक्स्ट पॉइंट, तो क्या लिखा, दे आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक एंड सेगमेंटेड, बॉडी टिश्यू और ऑर्गन्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी उनमें पाई जाती है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दे हैव कॉम्प्लेक्स, क्या लिखा, दे हैव कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएशन भी ई आर ई एन टी आई ए टी आई ओ एन लिख सकते हो, दे हैव कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन किसमें रखते हैं, बॉडी टिश्यू में, ऑफ बॉडी टिश्यू एंड बॉडी टिश्यू और किसमें रखते हैं, ऑर्गन्स में, ओके तो कॉम्प्लेक्स से डिफरेंशिएशन रखते हैं बॉडी टिश्यू और ऑर्गन्स में, क्लियर है। इनमें आपको नेक्स्ट पॉइंट ये बताने वाले हैं कि जो लोकोमोशन के लिए होते हैं, ठीक है, वो दो जॉइंट्स होते हैं यानी कि टू पेयर्स होते हैं, तो बोल सकते हैं फोर जॉइंट्स यानी कि टू पेयर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दे हैव टू टी डब्ल्यू ओ टू पेयर्स, दे हैव टू टी डब्ल्यू ओ टू पेयर्स किसके होते हैं, ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के होते हैं किसके होते हैं, फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव टू पेयर्स ऑफ जॉइंट्स फॉर लोकोमोशन के लिए होते हैं, आउटर कवरिंग होती है इनके, तो लिखिएगा देयर इज एन टी एच ई आर ई, देयर इज एन आउटर, क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज एन आउटर कवरिंग ऑफ, देयर इज एन आउटर कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव सेलुलर, लिखिएगा प्रोटेक्टिव सेलुलर स्किन, तो क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज एन आउटर कवरिंग ऑफ, देयर इज एन आउटर कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव सेलुलर स्किन, प्रोटेक्टिव सेलुलर स्किन होती है इनकी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें वेल डेवलप्ड क्या होता है, बॉडी कैविटी होती है, दे हैव वेल डेवलप्ड, दे हैव वेल डेवलप्ड बोल सकते हैं कॉइलम, सी ओ ई एल ओ एम कॉइलम, और या फिर उसका सेकेंड नाम है बॉडी कैविटी, तो दे हैव वेल डेवलप्ड कॉइलम और बॉडी कैविटी, जो कि क्या होता है, विच इज, आगे लिखिएगा विच इज कंप्लीटली, जो कि इनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी होती है जो कि कंप्लीटली लाइंड होती है, लाइंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एच, काफी ज्यादा पॉइंट बता दिए राहुल सर ने, और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स होता है, दे हैव वेल
डेवलप्ड सेंसरी, CENSORY, सेंसरी, CENSORY, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं? आईज, ईयर्स, नोज, यही तो होते हैं सेंसरी ऑर्गन। नेक्स्ट पॉइंट, तो दे हैव वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन वेल डेवलप्ड होते हैं, आईज होती है, ईयर्स होता है, नोज होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पे स्टार भी लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए आई वाले पॉइंट पर। तो यानी कि दे हैव क्लोज्ड, क्या लिखा, दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। तो क्या लिखा, दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हम लोगों में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड ही तो होता है, ह्यूमन बींग्स में, दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम विद, आगे लिखिएगा किसके साथ होता है, हार्ट के साथ बोल सकते हैं, ठीक है, वेंट्रल हार्ट, क्या हो सकता है, हार्ट, ठीक है, एंड बोल सकते हैं, या फिर आर्टरी होता है, डॉर्सल आर्टरी बोल सकते हैं, एंड डॉर्सल, DORSAL, आर्टरीज, ओके। तो यानी कि दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बोल सकते हैं, वेंट्रल हार्ट एंड डॉर्सल कैविटी के साथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लोजली रिलेटेड होते हैं, द जेनिटल, लिखिएगा द जेनिटल एंड एक्सक्रीटरी, क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट, काफी बड़ा फाइलम है इसलिए पॉइंट भी ज्यादा बनेंगे, द जेनिटल एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आर क्लोजली, तो द जेनिटल एंड जो एक्सक्रीटरी सिस्टम आर क्लोजली क्या होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, रिलेटेड, कॉमा लगा करके लिखिएगा, जो कि यूटिलाइज करते हैं, कॉमा लगा करके आगे लिखिएगा, यूटिलाइजिंग, क्लोजली रिलेटेड, कॉमा लगा करके लिखिएगा, यूटिलाइजिंग, जो कि यूटिलाइज करते हैं कॉमन डक्ट्स, DUCTS, डक्ट्स, जो कॉमन डक्ट्स को यूज करते हैं, पाथवेज, यानी कि एक रास्ते को फॉलो करते हैं। तो ये सारे पॉइंट राहुल सर ने आप लोगों को लिखवाए, ठीक है। तो देखिए फीचर्स में काफी पॉइंट है, पहली बार ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होती है, वेल डेवलप्ड इंटरनल स्केलेटन होता है कार्टिलेज और बोन्स का। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखवाया, वर्टिब्रल वर्टिब्रेट जो होते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। थर्ड पॉइंट बताया, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखवाया, दे हैव कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन होता है किसका, बॉडी टिश्यू और ऑर्गन्स का। फिर ई वाले पॉइंट पे लिखवाया, इनमें जॉइंटेड लेग्स के दो पेयर होते हैं लोकोमोशन के लिए। इसके बाद आप लोगों को राहुल सर ने बताया कि देयर इज एन आउटर कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव सेलुलर स्किन, स्किन का प्रोटेक्शन होता है इनके ऊपर। वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी होती है जिसके कारण क्या होता है, विच इज कंप्लीटली लाइंड होती है। वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, ठीक है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो हार्ट और आर्टरीज से कनेक्टेड होता है। जेनिटल और बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लोजली आपस में रिलेटेड होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं, जो कि यूटिलाइज करते हैं डक्ट्स का, बोल सकते हैं पाथवेज का। तो ये कंप्लीट होता है आप लोगों के फाइलम 10, जो वर्टिब्रेट्स है, काफी बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है, ओके। चलते हैं पिसेस पर, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आप लोगों के, नेक्स्ट रहेगा पिसेस, PISCES, ओके। पिसेस की हम लोग बात करेंगे, पिसेस जो है ये फिशेस का, पहली बात पिसेस का मतलब एक तरीके से फिश से है, ये फिशेस का एक ग्रुप है, ओनली फिश आती है इसके अंदर। और बोल सकते हैं पिशेस, आपने हेडिंग डाली PISCES, पिशेस का ये ग्रुप होता है,
और बोल सकते हैं कि जो एक्सक्लूसिवली जो एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं, ठीक है, जैसे फिश ही काउंट करें, ज्यादातर मोस्टली फिश का ही है, ओके, मोस्टली ये फिशेस का ही ग्रुप है, ठीक है, जो कि ज्यादातर वाटर में रहते हैं, इसके अंदर रखे गए हैं। और फीचर्स के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें, ठीक है, चाहे वो करंट वीडियो में है, आपके किसी भी चैप्टर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, किसी भी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप राहुल सर से कभी भी किसी भी वक्त एट एनी टाइम यू कैन इजिली कॉन्टेक्ट यू, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग कॉन्टेक्ट। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहें साइंस, ठीक है, थैंक यू।